बिना पेट्रोल के बाइक का क्या फ़ायदा, अब गाली देने का क्या फ़ायदा, अब पछताने का क्या फ़ायदा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो गाइस, आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, इसके बाद वर्ब अगर आएगा वर्ब के साथ ing मिला के आपको लिखना पड़ेगा, अगर नाउन आएगा ऐसे ही लिख देंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बिना पेट्रोल के बाइक का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइक विदाउट पेट्रोल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइक विदाउट पेट्रोल। देखिए यहाँ पर बाइक एक नाउन है, सो इसलिए हम बाइक को ऐसे ही लिख दिए। अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अपोलोजाइजिंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अपोलोजाइजिंग नाउ। देखिए यहाँ पर जो माफ़ी मांगना है ये एक वर्ब है, अपोलोजाइज इसमें हम आईएनजी ऐड करके लिख दिए, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रह गया। अब गाली देने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अब्यूजिंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अब्यूजिंग नाउ। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। अब पछताने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ।